हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करना चाहता हूँ सत्यमेव जयते के ट्रेड फिगर के बारे में। जी हाँ, फाइनल ट्रेड फिगर आ रहा है। कल कहीं ना कहीं 7.5 करोड़ के आसपास पता चल रहा था, लेकिन कलेक्शंस अब जो पता चल रहा है वो थोड़े से कम ज्यादा लग रहे हैं। 7.25 करोड़ से लेकर 7.50 करोड़ के आसपास ट्रेड फिगर बताया जा रहा है, यानी कलेक्शंस बहुत ज्यादा जो ग्रोथ होने के चांसेस थे वो नहीं नजर आ रहे फिलहाल। और यहां पर अगर देखा जाए, अगर कल जैसा कल क्या हुआ था, 18.50 करोड़ का जो कलेक्शंस था ट्रेड का कल था, है ना, 18.50 करोड़, लेकिन जो हमने प्रोड्यूसर्स फिगर देखा उसमें 2 करोड़ का जंप था। यानी कि अगर सेम तरह का रिस्पांस आज मिलता है तो इसका जो कलेक्शंस आया है 7.50 करोड़ वो पहुंच जाएगा करीबन 8.9 करोड़ तक पहुंच सकता है प्रोड्यूसर्स फिगर, लेकिन ट्रेड फिगर अभी भी 7.25 करोड़ से 7.50 करोड़। आप 7.50 करोड़ पकड़ लीजिए कि ये कलेक्शंस है दूसरे दिन का ट्रेड का, ठीक है। ऑफिशियली टोटल अगर देखा जाए तो ऑफिशियली टोटल जो बताया जा रहा है वो 25.25 करोड़ है, यानी कि इन्होंने जो पकड़ा है कलेक्शंस 25.25 करोड़ ये पकड़ा है 7.25 करोड़ के हिसाब से, यानी कि दूसरे दिन का। तो उस लिहाज से 18.50 करोड़ यानी कि 18.50 करोड़ पहले दिन, दूसरे दिन 7.25 करोड़ इन्होंने पकड़ा है ट्रेड ने, और टोटल दिया है 25.25 करोड़। अगर आपको याद होगा गोल्ड फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना था, जी हाँ सिमिलर था 25.25 करोड़। तो 2 दिन के बाद सत्यमेव जयते 25.25 करोड़ पहुंच रही है, और वो कलेक्शन ट्रेड ने पहले दिन में ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ट्रेड और प्रोड्यूसर सेम था गोल्ड का, जिसने भी 25.25 करोड़ कमा लिया था। देखते हैं यहाँ पे सत्यमेव जयते कैसे जाती है आगे, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रोड्यूसर फिगर काफी ज्यादा चीजें डिसाइड करेगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर फिगर मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ की इंक्रीज जरूर होगा, और इसका मतलब साफ है कि वो गोल्ड से आगे भी जा सकती है दूसरे दिन के हिसाब से। देखते क्या होता है क्या नहीं होता जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टोटल है 25.25 करोड़। चलिए फिलहाल कितना ही।